इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। परमात्मा श्री राम का स्मरण करके भगवान शिव सिंहासनस्थ हुए। मुनियों ने आज्ञा दी, सखियां मेरी माँ को लेकर के आई हैं। अरे सुंदरता के खान, मर्यादा के प्रतिमूर्ति भवानी जी को देखकर जो देवतालो मंडप में थे सबने प्रणाम किया। देखिए, विवाह के अवसर पर जो अपना हो, जिसको मंगल मनाना है, उसको मंडप में अवश्य उपस्थित रहना चाहिए। ये प्रतिष्ठा का अवसर है, ये मर्यादा का अवसर है, आशीर्वचन का अवसर है। आजकल क्या है, सारी प्रतिष्ठा, सारा मिलन, सारा सम्मान, जयमाल। समझ में मेरे ये नहीं आता है कि ये जयमाल कौन विवाह है। लाठी टूटी नहीं, ईंटा फूटा नहीं, तो काहे का जय। सोचिएगा, विचारिए, जयमाल प्रथा शीघ्रातिशीघ्र बंद होनी चाहिए। हम तो जाते हैं तो चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ कहते नहीं है। क्यों कहेंगे तो बुरा लगेगा। और उसी जयमाल में भैया फोटोग्राफर इतना दुर्गति करते हैं, कहीं कोनो फोटो नहीं लिया और यदि जयमाल पड़ गई तो कहेगा निकालो दोबारा करो, हमारा रह गया है। मर्यादा का ध्यान रखो, सनातन संस्कृति है, हमारा धर्म, हमारी मर्यादा, हमारा स्वरूप, देवता लोग जो उपस्थित हैं प्रणाम करते। अब मुनि अनुशासन गणपति जब शंभु भवान को सुन संशय कर सुरयना। अब यहाँ बाबा कहते हैं, जस विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनिन सो सब। क्या हुआ, पद प्रक्षालन, मधुपर्क आदि विधि स्मरण, देव स्मरण, साखोच्चार, इसके बीच का एक अवसर है, वो है कन्यादान। जब दोनों ओर से कुल को, कुल का साखोच्चार हुआ है, तब रचना बन गई कि अब कन्यादान होगा। अब इसके पश्चात देखिए, गह गिरे शकुश कन्या पानी भव ही समर्पी जानी। शिव जी की ही जानकर भगवान शिव को माँ भगवती को कैसे अर्पित किया, ससंकल्प अर्पित किया और घोषणा हो गई। ऋषि याज्ञवल्क जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, पाणि ग्रहण जब इन हर से तब सकल सुरे हर से तब सकल सुरे वेद मंत्र मुनिवर जय 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 शंकर सुर कर जय 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 हो शंकर भगवान की जय हो, पार्वती अम्बा की जय हो, जय हो धना सुमन वृष्टि न भेदिना सुमन वृष्टि भेदिना। भगवान शिव और मां शिवा का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ।
एक बार मानसिक आरती करे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः भवम भवानी सहितम। कन्यादान के पश्चात हिमांचल जी ने बहुत सारी सामग्री दक्षिणा स्वरूप दी। दासी दास तुरग रथ नागा धेन बसन मन वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरि जाना दाइज देनिन जाहि बखाना। दाइज में दक्षिणा बहुत सारी दी। हिमांचल जी ने हाथ जोड़ लिया है, शिव जी आप पूर्ण काम है, प्रभु आपको मैं क्या दूं। माँ मैना जी ने क्षमा याचना की और कहा, महाराज मेरी बिटिया परिवार समाज महाराज को प्राण के समान प्रिय है, अपनी सेवा में लगाइएगा और भगवती पार्वती जी से। मैया मैना ने कहा, बेटी करहु सदा शंग कर पद पूजा नारे धर्म पति देव वचन कहत भर लोचन बारी बहुरी लाई कुमारी भयति प्रेम विकल मारी धीर झुकी समय धीरज समय। माँ ने शिक्षा दी, बेटी शिव जी की सेवा करिएगा, आपका परम सौभाग्य है, ऐसे देव आपको मिले हैं। समझाया, विदा किए। हिमांचल जी बारात को विदा करने चले, शिव जी से हाथ जोड़ के बार बार विनय करते हैं, बिटिया का संहार करिएगा, कोई अपराध हो हमको बताएंगे, हम समझाएंगे सिखाएंगे। ऐसा भाव पिता का रहता है। जब सब लोग कैलाश पधारे, देवताओं को भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक विदा किया। देवता लोग अपने अपने धाम गए, बार बार शिव जी की स्तुति करने आते हैं। यहाँ बाबा करहि विविध विधि भोग बिलासा गणन समय तब सहि कैलासा हर गिरजा बिहार एह विधि विपुल काल चली तब जन में वो खट बदन कुमारा तारक सुर समर आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्म सकल जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप यही है तुम्हें वृष के तु सुत कर चरित समझे यहो माँ शंभु नारी कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुखाय कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पाय हाँ हाँ सर्वदा सुख पाय हे हाँ सर्वदा सुख पाय। बाबा कहते हैं चरित सिंधु गिर जा मन वेदन पावहि पार तब बरने तुलसीदास किमि अति मते बरने तुलसीदास किमि अति मते
वेद भगवान नहीं पार पा सकते। भगवान शिव माँ शिवा के चरित्र का मति का मंद मैं तुलसी क्या गाऊंगा, बाबा अपने लिए कहते हैं तो जो लिखा है मैंने आपको गा के सुनाया, इसके आगे हमको आता नहीं है। याज्ञवल्क जी के श्रीमुख से माँ भगवती सती पार्वती जी शिव जी का चरित्र सुनकर राम कथा में अभिरुचि और बढ़ गई। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी नैनन नीर रुमावली ठाड़ी। याज्ञवल्क महाराज कहते हैं अहो धन्य तव जन्म मुनि सा तुमहि प्रिय गौरी। आप धन्य हैं महाराज, आपको शिवजी प्राण के समान प्रिय हैं और भगवान शिव के चरणों में जिसकी प्रीति होती है वही राम जी को अच्छे लगते हैं। बिन छल विश्वनाथ पदने हो राम भगत कर लक्षण हो। शिवजी के समान कौन राम भक्त है, पन करी रघुपति भगत दिखाए। बिन वक्त जी सती असनहरी, कौन है ऐसा, आहा केवल स्वरूप परिवर्तन से। तो हमने आपने आज माँ सती भवानी मैया और बाबा के पावन विवाह महोत्सव का मंगल गान किया। कल माँ भगवती प्रश्न करेंगी ज्ञानपीठ के वक्ता भगवान शिव से और शिव बाबा माँ के किए प्रश्नों का उत्तर देंगे। कल हम आप कथा में श्री राम जी के जन्म महोत्सव का आनंद लाभ प्राप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आप पधारे। कुछ संस्था के लोग उद्घोषणा करेंगे फिर मंगल आरती प्रसाद के साथ विदा लें। इसके पहले हरे राम राम सीताराम राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम कथा सर्जन याजके प्रभु शंभुना राम लखन से जान की सदा करहु कल्याण। भवानी शंकर भगवान की जय। रज राम चंद्र भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।